नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ नाउ। बांगमऊ तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरिया कला में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री सीतेश सिंह ने फीता काटकर किया। इस मौके पर आने वाले मरीजों का चिकित्सकों द्वारा 100 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया, साथ ही मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गयी। इस मेले का निरीक्षण करने के लिए सभीपुर विधायक बम्बा लाल दिवाकर ने स्वास्थ्य कर्मियों के अच्छे कार्यों को देखकर उनकी प्रशंसा भी की। वहीं बताया कि इस मेले का लाभ जनता को निरंतर मिलता रहेगा तथा आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड सूची के मुताबिक बनाने का काम किया जाएगा। बांगलू चिकित्सा प्रभारी मुकेश सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर बिजनेश कुमार भूप सिंह, प्रतिभा देवी, स्थापना बाल विकास पुष्टाहार की सुपरवाइजर आशा संगनी, आशा कार्यकर्ता तथा डॉक्टर इरम खातून द्वारा गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां भी दी गईं। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बांगरमऊ ने बताया कि प्रत्येक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगत नगर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरिया कला में स्वास्थ्य मेले लगेंगे। यहाँ उपस्थित डॉक्टर मुकेश जो बहुत ही कर्मठ है, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। डॉक्टर योगी, डॉक्टर सतीश जी मैम और उपस्थित हमारी आशा बहनें और जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है और एक ये है कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर तक ये ऐसे स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाएं जिससे यहाँ की जनता जागरूक हो, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। और सबसे अच्छी बात है ये है कि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारा ये मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर वगैरह हैं, ये इनका कितना कीमती समय है, इनके एक संडे मिलता है, वो अपना संडे उस छोड़ के और आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और जो ये गवर्नमेंट का और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये अभियान है कि हर उसके स्वास्थ्य केंद्र पे ये मेला लगे, आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, इससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचे। बड़े बुजुर्ग जो CSC में नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, यहाँ आके कम से कम अपनी OPD कराएं, जांच कराएं, उससे अपना जो भी है फैसिलिटी का अपना स्वास्थ्य का पूरा फ़ायदा उठाएं। और आपके इस गौरिया कला के अधीक्षक चिकित्सक डॉक्टर विजयन जी और यहाँ पर उपस्थित हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता मिश्रा जी, हमारे उदय प्रताप जी और जितने भी लोग बैठे हैं, सबका हृदय से नंदन व अभिनंदन है। हमारी बहनें बैठी हैं, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके के कार्यक्रम आप सभी लोग कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को जागरूक किया जाए, उनको और उनके बच्चे को कैसे पोषित आहार मिल सके इसकी चिंता आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जितनी भी टीम सरकार की इस योजना को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, धरातल पर लाने का काम कर रही है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। और सभी लोग जागरूक करने का काम भी करें, साथ ही माताओं बहनों के संपर्क में रहें। और आप सभी लोग, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि आप सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी आपने दी है, अगर मैं उसको पूरा करने का काम करूँगा तभी शायद आप लोग मेरी सराहना करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी जिसकी छोटी बड़ी, अगर हमारी कोई आशा बहन है और कोई हमारी उनसे बड़ी पोस्ट पे हैं या हमारे डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, हमारी NM हैं, ये सारे लोग अपने अपने काम, जिसकी जिम्मेदारी जिसके खाते में लिखी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो हमें लगता है जो सरकार की चिंता है और जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की चिंता है उसमें सहभागिता हम सभी की होगी। इसके लिए मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।